एक्सप्रेस न्यूज सच का साथी। मिर्जापुर महिला अस्पताल कैंपस में बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी ने शिविर का अवलोकन किया। मुख्य विकास अधिकारी ने एक एक शिविर कैंप में जाकर दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। शिविर में मानसिक रोग से निदान के लिए व्यापक डॉक्टरों द्वारा जानकारी के साथ साथ आए हुए लोगों को सभी बातें बताई गईं। डॉक्टर राहुल सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि समाज में कोई भी मानसिक रोगों के लक्षण को भूत प्रेत से जोड़कर ना देखा जाए। दवाई एकमात्र उपचार है जिसकी मदद से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ रहने के उपाय महिलाओं को गीत संगीत के माध्यम से भी बताए गए तथा लगाए गए कैंप में डॉक्टर द्वारा जानकारियां दी जा रही हैं। स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इसके लिए भी कार्यक्रम के तहत पूरी बात को विस्तार से बताया गया। सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक चीजों का इस्तेमाल तथा किन किन पदार्थों में पौष्टिकता होती है ये भी विस्तार से बताया गया। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शहरी लोग हैं उनसे ये बताना चाहते हैं कि जो भी वो भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो भी ऐसी बीमारियां हैं कि सवारी आ गई है बाबा की, भूत प्रेत की, देवी देवता की, तो ये कोई सवारी नहीं है, कोई बाबा या कोई बीमार, एक मानसिक बीमारी है। इस मानसिक बीमारी का इलाज हमारे जिला अस्पताल में चल रहा है, कमरा नंबर 112 में। मैं राहुल सिंह, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे जगह पे बाबा ओझा तांत्रिक के पास अगर जा रहे हैं तो ठीक है, जाएं, लेकिन वो हमारे यहाँ भी आए जिससे उनकी बीमारी भी ठीक हो और दवा उनको मिल सके। अभियान के अंतर्गत सुपोषण स्वास्थ्य मेला जनपद स्तर पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, और जनपद में 263 ANM उप केंद्र हैं, वहाँ पर भी सुपोषण स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। सुपोषण स्वास्थ्य मेले के माध्यम से चिकित्सा विभाग, बाल विकास विभाग और पंचायत राज विभाग ने विभिन्न विषयों पर अपने स्टॉल लगाए हैं जिससे कुपोषण से दूर करने के संबंध में लोगों को जानकारी दी जा रही है।